दूसरी तरफ ये वोट रिजेक्ट नहीं किया गया, कांग्रेस से अलग विधायकों का वोट जो इनवैलिड होना चाहिए था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, वो इनवैलिड को वैलिड मान दिया गया। किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने नोटिस किया मेरे नाम के ऊपर वोट। और दूसरी तरफ ये वोट रिजेक्ट नहीं किया गया जहां पर जिस थाने में होना चाहिए उस थाने में नहीं है, कहीं और दूसरी जगह के ऊपर लिखा गया। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लेकर के याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें यहाँ पर इसके ऊपर न्याय। कांग्रेस से अलग विधायकों का एक वोट जो इनवैलिड होना चाहिए था वो वैलिड मान लिया, ये कह रहे हैं। कांग्रेस से अलग विधायकों का वोट जो इनवैलिड होना चाहिए था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया है, वो इनवैलिड को वैलिड मान दिया गया और इसके खिलाफ हमारी याचिका। सर, आपसे डेढ़ महीने के करीब हाईकोर्ट पहुंचे हैं या कानूनी तौर पर आपको इतना समय लगा? पहले आपने याचिका डाली थी? 45 दिन का समय सीमा होती है और हम लोग एक हफ्ता पहले ही डालते थे तो 45 दिन बाकी तो और इलेक्शन पटिशन में तो लोग आखिरी दिन डालते हैं, हम लोगों ने तो भी बल्कि हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने डालते हैं। आप कुछ और प्रश्न पूछिए। कांग्रेस लगातार एक चर्चा है सर कि प्रभारी जो आपके थे जो चुनाव एजेंट के तौर पर वहां थे, आपका जो वोट किरण चौधरी का वोट लगातार ये कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ गया है वोट, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार आपकी पार्टी के प्रभारी पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के 29 विधायकों के ऊपर सवाल उठ गया क्योंकि एक वोट कैंसिल हुआ है उसका वो आइडेंटिफाई हुआ है। बड़ा स्पष्ट है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है, तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी नहीं टिक किया। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं गलती से टिक किया हो, ये उनके उनको बताना है कि जानबूझ करके किया है या गलती से टिक हुआ है, लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ साथ में है वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था जिसको हरेक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक में ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 29-30 निकले हैं और निकलेंगे हमारे और निकले हमारे 29, इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि जिस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन रद्द कराने के लिए मांग कर रही थी उस वक्त हम लोग इस मुकालते में रहे कि हमारे तो 30 एक सिंगल प्रेफरेंस पड़े क्योंकि जो हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कह रहे थे कि 30 पड़े। तो अब हो सकता है कि वो भी गलती से उन्होंने उनकी भी गलती रही हो।